हे एवरीवन, समय हो रहा है रात के 10:30। मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो यहाँ पर मैं सारे जो डब्बे वगैरह हैं दाल वगैरह के वो सेट करके रख रही हूँ। तो इसमें मैंने सारे दाल के रख दिए हैं, इसमें भी मैंने बॉर्नविटा के डब्बे हैं ना जो लक्ष्य पीता है, तो खाली हो गए थे तो बहुत टाइम के मैंने इधर उधर भी दे दिए। कुछ रखे थे मैंने खाली करके, इनमें भी सारा सामान भर दिया, जैसे कि छोले हो गए, ये सारी चीज़ें। नीचे मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया है, यहाँ पर मेरे पास रखी थी जो आती नहीं है कवर्ड में लगाने वाली, तो वो रखी थी तो वो मैंने लगा दी है। ऊपर भी सबसे ऊपर नहीं सेट किया, ऐसे ही कर दिया है, ये कर दिया, ये कर दिया, और ये वाला कर रही हूँ सेट। इसमें कुकीज़ वगैरह, नमकीन बिस्किट वगैरह, ऊपर वाले अभी सेट नहीं, वो कर ही रही थी मैं, तो मैं सोच रही थी चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये वाला सेक्शन अभी मैंने नहीं किया है क्योंकि इसमें सब कुछ सेट है ऑलरेडी। और एक दिन ये कबर्ड ना बहुत गंदा हो रखा है, देख सकते हो, तो एक दिन ये मैं जूना से अच्छे से साफ़ करूँगी। गीले पानी से नहीं कर सकती, बट जूने से करके पानी से उस कपड़े से पोंछ लूँगी तो ये भी क्लीन हो जाएगा। और ये मेरा रेंट का घर है, मैंने आपको बताया भी था कि ये मेरा रेंट का घर है, बट मैं रेंट से रहती हूँ तो उसे भी मैं अपना ही घर समझती हूँ। तो आपने मेरा गुड़गांव वाला घर देखा ही था कि मैं कितने अच्छे से रखती थी, तो बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब ये इसका शीशा है ना, वो भी गंदा हो रखा है, कॉलिन से साफ़ करवाऊँगी मैं तो नहीं कर पाऊँगी, इनसे करवाऊँगी। ये चले गए हैं बाहर, इनके फ्रेंड वगैरह आए हुए हैं मिलने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये भैया आ चुके हैं, ये हैं कैमरे वाले, यानी सीसीटीवी लगवा रहे हैं हम लोग घर में। तो इन्होंने 3-4 लोगों से बात करी है, कोई भी काम करने से पहले पहले बहुत सारे लोगों से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही लगवाने चाहिए। तो बस वो आए थे देखने के लिए कितने लगवाने हैं, कहाँ लगवाने हैं, ये सारी चीज़ें, और पैसों का भावताव करने के लिए। उसके बाद ये थोड़ा सा बिजी हैं, मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है और अभी हो रहा है दोपहर का समय। मैं नहा रही थी, मैं एक्चुअली नहा ही ली थी, उसके बाद मुझे याद आया कि आज ज़्यादा कुछ काम है नहीं, मैं फ्री हो गई हूँ, तो चलो ये बाथरूम की टैल साफ़ नहीं हुई थी तो चलो इसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो मैंने लोहे के जो जूना होता है ना उससे रगड़ रगड़ के साबुन सरफ लगा के इसको क्लीन किया था। आफ्टर क्लीनिंग मैं वीडियो ही नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि आ गए थे मोनू और भाभी। तो बस अब बना रही हूँ मैं यहाँ पर चाय, उन्होंने आके अचानक सरप्राइज़ दिया हम लोगों को। तो मैं ये कह रही थी, अचानक से मेरे मुंह से ये निकल गया कि मोनू भाभी कैसे आए हैं, मैंने कि बता के क्यों नहीं आए। तो इन्होंने ना मोनू से जाके बोल दिया कि तेरी दीदी ये बोल रही थी कि मोनू क्यों आया है, मतलब बात घुमा के बोल दी। मैंने बोले यार ऐसे मैंने बोला ही नहीं है। तो मुझे कुछ मंगवाना था एक्चुअली, मेरा घी छूट गया था मम्मी के यहाँ पर, तो मुझे अपना घी मंगवाना था, इसलिए मैं बोल रही थी कि बता के क्यों नहीं आया। तो उन्होंने आके हमें सरप्राइज़ दिया, उन्हें कुछ काम था यहाँ पर ग्वालियर, तो वो आए हुए थे। और यहाँ पर लड्डू को देखो, मोनू के पास बहुत अच्छे से खेलता है, वो मोनू को देखते ही खुश हो जाता है। और यहाँ पे लड्डू को थोड़ी प्रॉब्लम है उसकी आँखों में, उसका इलाज चल रहा है ट्रीटमेंट, बट कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय और यहाँ पे आज बन रहे हैं दाल चावल। तो यहाँ पे दाल देख सकते हो मैंने उबाल ली, इसमें से थोड़ी मैं लड्डू के लिए भी निकाल ली थी दाल, और अभी हमारी दाल बन चुकी है और रोटी सब्जी भी बनेंगी। तो बस थोड़ी थोड़ी है क्लिप जो मैंने शूट कर ली हैं। और लक्ष्य को जोरों की भूख लग रही थी, तो लक्ष्य को यहाँ पर सबसे पहले मैं दाल चावल देने के लिए जा रही हूँ क्योंकि भाभी ने बोला पहले लक्ष्य को दे के आओ। तो यहाँ पे अभी हो रहा है रात का समय, सारे काम से हम लोग हो गए हैं फ्री, खाना पीना खा के। और जब कोई घर में आता है तो रौनक लग जाती है ना, मतलब मेरे घर में कोई आता है तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता बहुत सारे लोगों को नहीं भी लगता होगा, बट मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। तो बस हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, पंचायतें कर रहे थे, और एक बात ऐसी थी उस पर हमारी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, रह रह के हंसी आ रही थी हम लोगों को, और इनको और मोनू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग हंस क्यों रहे हैं। और लड्डू की अलग ही मस्ती चालू है, वो सबके फेस देख देख के हंस रहा है, देखो सबके फेस देख रहा है वो सबके फेस। तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और कल हम लोग कहीं जाने वाले हैं तो वो ब्लॉग मैं एक दिन बाद शेयर करूँगी, एक्चुअली कल शेयर करूँगी वो ब्लॉग मैं, कल भाभी और मोनू के साथ हम लोग कहीं जाने वाले हैं। तभी हो रहा है मॉर्निंग का समय और मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लड्डू को, सब लोग घर में नहा लिए हैं। और आज है मंगलवार तो ये सारे लोग गए हुए थे मंदिर, तो बस मंदिर से होके आए हुए हैं। और बस मैं नहीं नहाई हुई, बस मैं नहाने ही जा रही हूँ क्योंकि मेरा भी काम होने ही वाला है बस।
तो ये आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो पोहा बना देती, तो इनका तो फास्ट रहता है, इनको ये तो खाते ही नहीं है, तो इनके लिए मैं चाय लेके जा रही हूँ, हम सब लोग चाय और पोहा खाएं। लेकिन भाभी मना कर रही थी कि दीदी पोहा मत बनाओ, डायरेक्ट खाना ही बनाएंगे। मैंने बोला नहीं, अगर लेट भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर इनको भी जाना है, मोनू और भाभी को भी, तो इस वजह से फिर मैंने बोला खा पी के ही जाना, उसके बाद फिर वापस आएंगे, किसी काम से इनको जाना है। तो बस यहाँ पर लड्डू को देखो, हमारी टीवी में सुबह के टाइम ना भजन चलते हैं और हनुमान चालीसा चलता है, तो लड्डू हमारा बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है और पता है घर में एकदम अच्छा माहौल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मोनू चाय नहीं पीता है, तो अभी मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, और ये थाली देख सकते हो आप कैसी हो गई है। एक्चुअली मैंने क्लीन करी थी बट हो नहीं रही है, क्योंकि कल हमने इसमें आग से कुछ किया था, आग से, वो आगे मैं कल वाले ब्लॉग में बताऊँगी कि हम लोगों ने क्या किया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं मोनू के लिए लेके गई थी मैंगो शेक, मोनू को पता नहीं था ये कांड कर देगा, तो उसने हाथ डाल दिया उसमें, पीने के लिए कर रहा था, उसको लगता है मुझे भी तो सारी चीज़ें जानता तो है नहीं। तो अभी भाभी जा रही है नहाने के लिए, मैं बना रही हूँ पोहा, और यहाँ पर लड्डू ना भाभी से पहले डरता था, पिछली बार आई थी ना तो भाभी ने डरा दिया था इसको, इसलिए जाता नहीं था, और अब की बार तो अच्छे से जा रहा है। और भाभी ने यहाँ पोहे की तैयारी कर दी थी, तो फिर मैंने झटपट से पोहा बना दिए, भाभी ने भी खा लिए, सब लोगों ने खा लिए। अब ये लोग जा रहे हैं और आएंगे एक दो घंटे बाद शायद, तो बस भाभी भी नहा धो के साड़ी पहन के रेडी हो गई हैं, बस मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ नहाऊँगी नहाऊँगी, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे काम लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं तो आराम से नहा सकती हूँ। और ये जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे, तो मैं उनसे पूछ रही थी क्या सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि अनिल भी चले गए हैं किसी काम से, लक्ष्य के स्कूल वहाँ पर कुछ अर्जेंट काम था तो वहाँ गए हुए हैं, और बस हम इनको विदा करके आ गए हैं। मेरी हालत आप लोग देख सकते हो कैसी हो रही है। लड्डू महाराज हमारे सो रहे हैं, और ये मामा भांजे, मामा भांजी नहीं, माई भांजा लेटे हुए हैं, ये ऑफिस का काम कर रहे हैं, मोनू कहीं काम से चला गया है, और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, और मेरा बेटा सो गया, मेरा बच्चा लड्डू, बेटा आज मैंने इसको काजल लगाया बड़े दिनों बाद। तो आज लंच में बनाई हुई है आलू की रसीली सब्जी, बहुत टाइम से बनाई नहीं थी, तो कभी कभार ये सब्जी बनाते नहीं है तो दिल करता है ना खाने का, तो आज बनाई हुई है रसीली सब्जी। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। भाभी गई थी डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर के यहाँ से भी आ चुकी हैं, और वो आज जाने वाली थी बट अभी नहीं जा रही, वो कल जाएंगी, कल हम कहीं जाने भी वाले हैं। एक्चुअली लड्डू की तबीयत पहले से बेटर है, कल मैं आपको बताऊंगी कि उसको क्या हुआ था। एक्चुअली डॉक्टर की दवाई क्यों नहीं सूट कर रही थी, हमने दो डॉक्टरों को दिखाया उसको, आँखों को, स्किन पे भी हो गया था उसको, तो हमने वो भी दिखाया, उसकी लोशन भी चेंज कर दी हमने, बट नहीं हो रहा था, बट फाइनली अभी मेरा लड्डू सही है माता रानी की कृपा से, तो कल हम लोग कहीं जाने वाले हैं, इसलिए भाभी आज रुक गई हैं, तो कल हम सब लोग सुबह ही निकल जाएंगे जल्दी। तो अभी खाना पीना बना लेते हैं, बहुत सारा काम है, मुझे अभी एडिटिंग भी करनी है कल के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो मुझे एकदम लाइन पे लाने हैं, वैसे भी ज़्यादा ब्लॉग शूट कर नहीं रही हूँ, बट फिर भी, तो वो लोग सुबह गए थे, फिर अभी शाम में भी गए हुए हैं, और पानी पूरी खाने जाने वाले थे, बट मैं नाइटी पहनी थी, तो मैंने बोला कि नहीं यार चेंज करना पड़ेगा, छोड़ो, इसलिए आलस आ जाता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और लड्डू पहले से बेटर है, कल से बहुत ज़्यादा बेटर है, और आप सभी को थैंक यू कि आप सभी लोगों ने लड्डू के लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे कि लड्डू जल्दी से सही हो जाए। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कमेंट किए, डॉक्टर्स के नाम बताए, थैंक यू सो मच यार। मुझे जब आप लोगों से बात करती हूँ तो अपना जैसा अपनापन जैसा फील होता है कि मेरे साथ कोई है, अगर मैं किसी से कुछ शेयर करती हूँ तो वो मुझे राय देते हैं, वो मुझे बताते हैं, वैसे फैमिली में बताते नहीं है कि आप ये कर लो वो कर लो, तो आप लोग बताते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए लग जाते हैं काम पर। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय, डिनर सब लोगों का हो चुका है, आप लोग घड़ी में टाइम देख सकते हो कितना बज रहा है, 10:45 या 11 समथिंग हो रहा है। और उसके बाद ये फ़ैन ना बहुत स्लो चल रहे थे, तो क्योंकि उनमें धूल मिट्टी जम जाती है तो स्लो ऑलरेडी हो जाते हैं अपने आप, तो यहाँ पर ये बोल रहे थे चलो क्लीन कर लेते हैं, मोनू भी है तो पकड़ लेगा, हेल्प हो जाएगी, क्योंकि लड्डू है तो उसको भी एक बंदे को पकड़ना पड़ता है, तो आज तो सब लोग थे लड्डू को पकड़ने के लिए, तो ईजिली क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारे फैन क्लीन कर रहे हैं, पहले एक की सोच रहे थे जो स्लो चल रहा था, उसके बाद इन्होंने बोला सब की सारे क्लीन कर देता हूँ, तो ये वाइट कलर में था तो ये और ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो यहाँ पे ये सारे फ़ैन क्लीन कर रहे हैं। गुड़गांव भी हम बहुत जल्दी फ़ैन क्लीन करते थे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट आती थी, तो फ़ैन तो क्लीन करते रहने चाहिए। उसके बाद हम लोग कल कहीं गए थे, तो मैं ये ब्लॉग
कल पोस्ट करूंगी कि हम कहाँ गए थे। 2:20 लड्डू लक्ष्य को हमने एसी में सुला दिया क्योंकि कूलर भी फेल हो रहे हैं, बहुत भयंकर ज़्यादा गर्मी है। झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका है और अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ क्योंकि ये लोग खा के आए थे। मेरे लिए भाभी ने टिफिन लगा दिया, भाभी ने लगा दिया था टिफिन। मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, पता नहीं नींद पूरी नहीं हुई। ये लोग तो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, बस 1 घंटे सोई थी मैं रात में। तो मैं सोच रही हूँ भगवान लड्डू ना उठे, लड्डू के लिए खाना बनाया था तो खाना ही नहीं खाया, सो गया, पेट एकदम उसका खाली डला है। पहले मैं खाना खा लेती हूँ नींद में, उसके बाद शायद आज कोई आने वाला भी है तो अगर वो आते हैं तो फिर मैं सो नहीं पाऊँगी, और वो नहीं आते तो सो जाऊँगी, देखती हूँ मैं। वैसे तो काम से फ्री हो गई, जो साड़ी पहन के गई थी मैं वो मैंने सर्फ में डाल दी है क्योंकि मैं तुरंत ही वॉश करती हूँ। पेटीकोट में से तो कलर निकलता है, मैंने अलग से डाल दिया। और भी लड्डू के कपड़े थे इनके और लक्ष्य के, सारे मैंने सर्फ में गला के रख दिए हैं। शाम में वॉश करूँगी, अभी नहीं कर रही, हिम्मत नहीं है, पैरों में दर्द हो रहा था, आ गई थी नहीं बची। सारी क्लीनिंग हो गई, घर एकदम अच्छा लग रहा है एकदम, मतलब क्लीनिंग होने के बाद ऐसा लगता है कि शांति जैसी। और आज एक बात बताऊँ आपको, हमने दूध वालों से मना कर दिया था कि दूध मत लाना और वो बाहर टांग के चले गए और दूध ख़राब हो गया, 2 लीटर दूध ख़राब हो गया हमारा। तो हमने उनको फ़ोन करके बोला कि भैया हमने तो आपसे मना किया था, आप क्यों टांग के गए? तो बोल रहे थे कि ठीक है उसको वापस ले आना, दूध रखा है उसको वापस दे आएंगे, शाम को नया ले कर आएंगे। चलिए खाना खा लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, हम लोग कल कहीं गए थे, इतना ज़्यादा थक गए थे कि क्या ही बताएं, भाभी और मोनू के साथ। तो यहाँ पे इनको देखो, ये तो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं जनाब। हम लगे हुए हैं काम में, आए हैं जब से, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता जब डस्ट होती है ना तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं सो जाऊँ आराम कर लूँ। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, आराम पहले करना चाहिए, बट क्या करूँ, ये भी डांटते हैं बट मैं आदत से मजबूर हूँ। मुझे लगता है कि यार ये पैर गंदे बेड पर रखेंगे फिर वो भी गंदे हो जाएंगे। उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, खूब हम अच्छे से सोए और अब हमारी नींद पूरी हो चुकी है। मॉर्निंग का समय, यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय और पोहा। और मैं 2 तरीके से पोहा बनाती हूँ, ये वाले पोहा ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ये मैं जो मार्केट स्टाइल होते हैं ना उस टाइप से बनाती हूँ, बट मैं कढ़ाई में ही सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ। बाद में भी आप लोग कर सकते हो इस टाइप से, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर भी कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारे पोहा और हो गए हैं रेडी, तो अभी बस हमने खा पी लिया है, ये नहा धो के कहीं जा रहे हैं अर्जेंट काम से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी मैं खाना खिला के लड्डू को नहलाने के लिए लेके जा रही हूँ। इसको थोड़ा बहुत खिला पिला के ही मैं थोड़े टाइम बाद मैं नहलाने के लिए लेके जाती हूँ, क्योंकि तुरंत बाद नहलाने लेके नहीं जाना चाहिए। तो मैंने इसको खिला दिया है बट इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इसलिए आजकल ये खा ही नहीं रहा है। इसको शायद टीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, दाँत आने ही वाले हैं। इतने टाइम से सोच रही थी आ रहे हैं अब जाके निकल रहे हैं। तो यहाँ पे सारा सामान मैं पहले ही सेट करके रख के जाती हूँ, जैसे कपड़े हो गए, सारा इसका बॉडी लोशन, मसाज ऑयल वगैरह हो गया, क्योंकि फिर ये हाथ पैर बहुत ज़्यादा चलाता है तो इसके गिरने का डर लगा रहता है, इसलिए सारी चीज़ें पहले ही सेट करके रखती हूँ मैं। अब हमारे लड्डू नहा के आ चुका है, मैं इसको कर रही हूँ रेडी। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मसाज ऑयल एंड बॉडी लोशन जो कि कोकोसोल का है, ये आयुर्वेदिक है। इसमें कोकोनट ऑयल होता है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ है। और मैंने नहलाते टाइम इसको यूज किया था, हेड टू टो वॉश हूँ, बेबी के लिए काफ़ी अच्छा है ये। और आयुर्वेदिक की सबसे अच्छी बात ये है, मैंने लेकिन नहलाते हुए दिखाया नहीं है आपको, ना ही फुल बॉडी मसाज करते हुए दिखाया, क्योंकि कमेंट आते हैं कि दीदी नज़र लग जाती है आप मत दिखाया करो, इसलिए मैंने नहीं दिखाया हुआ, इसलिए मैं शॉर्ट में दिखा दिया है आप लोगों के साथ। इनकी लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारे लड्डू महाराज नहा धो के हो गए हैं रेडी। बच्चों को नहलाना धुलाना रेडी करना और खाना खिलाना बहुत टफ टास्क होता है, जो माँ है ना वो अच्छे से समझ सकती है कितना मुश्किल होता है। यहाँ पे लड्डू को मैंने सुला दिया है, एक्चुअली बच्चे ना नहाने के बाद रिलैक्स फील करते हैं, तुरंत सो जाते हैं, लड्डू तो सोने के लिए रोने लगता है, तो उस टाइम पर मैं नहा धो लेती हूँ, मेरे जो काम होते हैं वो सारे काम मैं कर लेती हूँ। एवरीवन, 4:30 बज रहे हैं और ये कैमरे वाले भैया आ गए हैं। मैं बस काम से फ्री हुई थी, एक्चुअली बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के साथ तो फ्री नहीं हो पाते, दिन में तो सोना भूल ही जाओ। तो लड्डू सो गया था, उसके बाद मैंने जो काम थे मेरे करे जब तक लड्डू जाग गया, फिर उसको खाना पीना खिलाया। अभी लड्डू की तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है,
क्यों है ये आपको कल के ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, तो कल का ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करना। और यहाँ पर ये कैमरे वाले भैया आ गए हैं तो ये कैमरा लगा रहे हैं। एक्चुअली हमने 4-5 लोगों से बात करी थी तो सबसे अच्छा हमें इनका लगा और क्लियरिटी वगैरह, तो फिर हमने इनसे ही करवा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा महंगे तो होते हैं, पैसे तो लगते हैं, बट सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वजह से हम कैमरे लगवा रहे हैं यहाँ पे। और मेरी हालत आप लोग देख सकते हो, घर पे बिल्कुल भी तैयार होने का दिल नहीं करता, नहा के आती हूँ, सीसे में देखने के लिए भी टाइम नहीं मिलता मुझे, बालों को भी मैं नहीं कंघी करती डेली, सच बताऊँ तो। जब कुछ मुझे वीडियो शूट करना होता है या कुछ वैसा, तभी मैं कंघी वगैरह करती हूँ। अभी ये कैमरे फिक्स कर रहे हैं, एक्चुअली अंदर लगवाने वाले नहीं थे, मैं मना कर रही थी, बट इन्होंने अंदर भी लगवा लिया, बोला कि अंदर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह होते ही नाश्ता पानी हमारा हो चुका है, ये लेके आए हुए हैं सब्जी, थोड़े से केले वगैरह, और लक्ष्य लड्डू के लिए बिस्किट, ये वाले, ये लक्ष्य खाता था तो मैंने बोला कि ये फुसफुसे होते हैं और ईजिली बच्चे खा सकते हैं, तो वैसे तो फैलाते ज़्यादा हैं, खाते कम हैं, तो मैंने ये मंगाए हुए हैं, ये आलू और ये बैगन वगैरह सारी चीज़ें, इनको मैं वॉश करके रखूँगी। और आज बनेगी कद्दू की सब्जी, बैगन वगैरह बाद में बना लूँगी। चलो इनको सही से सेट करके रख देते हैं, झाड़ू पोछा अभी कुछ भी नहीं हुआ, पहले मैं खिलाती हूँ लड्डू को खाना, उसके बाद हम करते हैं झाड़ू पोछा काम धाम। तो घर की सारी क्लीनिंग हो गई है, मैंने लाइट ऑफ कर दी है, यहाँ पे लड्डू महाराज हमारे सो गए हैं, जब ये सो के उठेंगे उसके बाद मैं इसको निलाऊंगी। और अभी मैं बना रही हूँ जब तक सब्जी, आज बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्जी, थोड़ी खट्टी मीठी, यानी चीनी डाल के, आप गुड़ भी डाल सकते हो और थोड़ी ये अमिया डाल के। आप लोग किस तरीके से बनाते हो और आपको किस तरीके की पसंद है मुझे ज़रूर बताना। मैं बहुत ज़्यादा मतलब बिजी हूँ आजकल, वर्कलोड ज़्यादा है, तो किसी कमेंट का रिप्लाई मैं ना कर पाऊँ तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल का ब्लॉग ज़रूर देखना।